जो लोग लाइव नहीं आए थे, अभी कुछ देर पहले मैंने लाइव स्ट्रीम किया था, तो वो वीडियो काफ़ी लेंदी था, तो वैसे में जो लोग लाइव नहीं आए थे उनके लिए कुछ मैं इन्फॉर्मेशन पास करना चाहता हूँ। देखो 31 मार्च के पहले आप यहाँ पे दो काम जरूर कर लेना। फर्स्ट आपको क्या काम करना है कि आप अपने नॉमिनी का नाम जरूर ऐड करना, अपने म्यूचुअल फंड में नॉमिनी का नाम जरूर ऐड करना। कंफर्म करो एएमसी से कि क्या आपके म्यूचुअल फंड में नॉमिनी का नाम ऐड है या नहीं है। बाई मिस्टेक्स अगर कोई नॉमिनी का नाम आपसे मिस हो गया है तो 31 मार्च के पहले अगर नहीं किए तो देखो सेबी का ना डायरेक्ट यहाँ पे ऑर्डर है कि वैसे अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। इट मीन्स कि अगर जो भी आपका इन्वेस्टमेंट चल रहा है उस अकाउंट से आप पैसा निकाल नहीं सकते हो और ना ही कुछ भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले नॉमिनी का नाम ऐड करना चाहिए। दूसरा क्या, 31 मार्च के पहले आपको अपना टैक्स से रिलेटेड इशू भी सॉल्व कर लेना चाहिए। आप जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं अगर उसमें चाहते हैं कि ATC का बेनिफिट मिले तो ELSS म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा दें, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है। ये दो पॉइंट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था और मैं अभी जो लाइव स्ट्रीम आया था उसमें ये बात डिस्कस किया था, लेकिन जो इन्वेस्टर वो लाइव स्ट्रीम में नहीं थे उनके लिए मैं ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो आपके बड़े काम का चीज़ है इसको ज़रूर फॉलो करें। नॉमिनी का नाम ऐड कर दें और टैक्स रिलेटेड इशूज़ जो भी हैं आपके 31 मार्च के पहले सॉल्व कर दें। अगर कुछ ATC का बेनिफिट चाहिए तो ELSS म्यूचुअल फंड में फोकस करते हैं। देखें तो ये था आज का वीडियो। वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेरी हो भेजिए कमेंट बॉक्स में, क्वेरी जनरेट करें। आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियो देख के आऊंगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब लाइक और शेयर तभी स्टार्ट करें। फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।